नहीं अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम, ठीक आप सुनाएं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई डिस्टॉर्शन या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम, चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं फिर, और लेक्चर के एंड पे अगर आपकी कोई और क्वेरीज जैसे डेट शीट वगैरह की डेफिनेटली होंगी, फिर वो एंड पे देखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आज जनाब हमने शुरू करना है नी जॉइंट। ठीक है, और नी जॉइंट का जो आज का लेक्चर है, दिस इज अबाउट बेसिकली दी एनाटॉमी, देन वील मूव फॉरवर्ड ऑन दी काइनेटिक्स एंड दी काइनेमैटिक्स। तो यही स्कीम है हमारी बायो मैकेनिक्स में। हर रीजन के अंदर हम पहले उसकी एनाटॉमी, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं तो वी स्टडी दी बेसिकली उनकी इंजरीज। ठीक है ना? तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नी जॉइंट। आप मुझे बताएं, एनाटॉमी टू आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मुझे बताएं कि नी जॉइंट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? कौन सी बोन्स मिलके नी जॉइंट बनाती हैं? फीमर, पटेला, टिबिया। वेरी गुड, वेरी गुड। फीमर है अपर एंड पे, उसके नीचे टिबिया है। ठीक है, अब फीमर और टिबिया जहां पे जॉइंट बनाएगी, उस जॉइंट को स्पेसिफिकली सिर्फ फीमर और टिबिया के जॉइंट को कहते हैं टिबियो फीमरल जॉइंट। ठीक है, और दो कंडाइल्स होते हैं, फीमर के भी दो कंडाइल्स हैं, टिबिया के भी दो कंडाइल्स हैं। तो एक मीडियल जॉइंट होता है और एक लैटरल होता है। अगर हमने स्पेसिफिकली इंजरी से रिलेटेड या एनाटॉमिकल बात करनी है, तो हम कहते हैं कि मीडियल टिबियो फीमरल जॉइंट एंड लैटरल टिबियो फीमरल जॉइंट। जब हम टिबियो फीमरल जॉइंट की बात करेंगे तो वो कंडाइलर जॉइंट होगा जो कि फीमर और टिबिया आपस में बना रही है। ठीक है, और नी जॉइंट के अंदर इन दो जॉइंट्स के अलावा एक और होता है, पटेलो फीमर। जो आपकी पटेला है, ये पटेला है आपकी नी कैप जो होती है, ये बेसिकली आपकी फीमर के साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, तो इस जो जॉइंट बनता है इसको कहते हैं हम पटेलो फीमरल जॉइंट। तो एक नी जॉइंट के अंदर तीन जॉइंट्स हैं, एक पटेलो फीमरल और दो टिबियो फीमरल। ठीक है, और उसके अलावा इसके साथ ही इसकी प्रोक्सिमिटी में एक जॉइंट होता है टिबिया और फिबुला के दरम्यान में, उसको कहते हैं टिबियो फिब्युलर जॉइंट। ठीक है, टिबियो फिब्युलर जो ऐसा ज्वाइंट जो कि टिबिया और फिब्युला के दरम्यान में, और ये सॉफ्ट टिश्यू कनेक्ट मतलब कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड होता है आपस में। ये नी ज्वाइंट है आपका। ये जो टिबियो फीमरल फिबुलर ज्वाइंट है ना, ये नी ज्वाइंट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। नी ज्वाइंट में मीडियल टिबियो फीमरल ज्वाइंट, लैटरल टिबियो फीमरल ज्वाइंट और पटेलो फीमरल ज्वाइंट, ये तीन ज्वाइंट्स हैं जो कि एक नी ज्वाइंट में आते हैं। सबसे पहले हम टिबियो फीमरल जॉइंट को, जो कंडाइलर जॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि जी डुअल कंडाइल्स हैं। फीमर के दो कंडाइल्स होते हैं जो कि टिबिया के दो प्लेटूस के साथ जाके आर्टिकुलेट करते हैं, और ये किस टाइप का जॉइंट है? मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। क्लोज पैक पोजिशन जो इसकी होती है, जो फुली पैक होती है, वो फुल एक्सटेंशन मतलब कि जब आप स्टैंडिंग पोजिशन में होते हैं, आपकी नी फुली एक्सटेंड होती है, तो जो दोनों बोन्स हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होती हैं। ठीक है, वो क्लोज पैक पोजीशन होती है। नी फ्लेक्शन इसके ऑपोजिट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन पैक पोजीशन कंसिडर होगी। उसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है जनाब कि ये दिस जॉइंट फॉलोज दी कनकेव रूल। कनकेवो कन्वेक्स रूल, पहले मुझे आप लोगों से थोड़ा सा आइडिया दें कि हैव यू हर्ड अबाउट इट बिफोर और नॉट? क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है, कनकेवो कन्वेक्स रूल के बारे में? यस मैम, सुना ठीक है, सुना, सिर्फ सुना हुआ है, उसके बारे में पता भी है, क्योंकि मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करूंगी। मैम, थोड़ा सा पता भी है कनकेव और कन्वेक्स के बारे में। चलिए ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। कनकेवो कन्वेक्स रूल ये कहता है कि देखिए, आपका ये नी जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, नी जॉइंट के अंदर एक बोन जो है वो कन्वेक्स है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, मुझे देख के बताएं कि फीमर का एंड कन्वेक्स है या जो टिबिया है उसका एंड कन्वेक्स है? फीमर का मैम। फीमर का, ठीक है, और कनकेव एंड किसका है? मैम टिबिया का। टिबिया का, ठीक है। वो ये रूल ये कहता है कि तो क्योंकि दोनों बोन्स मूव कर दिए ना, अगर क्लोज पैक पोजीशन होगी, मतलब कि अगर आपने टांग जमीन पे रखी हुई है और फिर आप खड़े जैसे सीट पे
आप चेयर पे बैठे हैं, आपने दोनों टांगे जमीन पे रखी हैं और फिर आप खड़े होते हैं तो आपकी जो टीबिया है वो फिक्स होती है, फीमर मूव करती है. अब फीमर चूंकि कन्वेक्स बोन है, अगर मूविंग बोन आपकी कन्वेक्स होगी तो अकॉर्डिंग टू द कनकेवो कन्वेक्स रूल, इफ द मूविंग बोन इज कन्वेक्स तो वो जिस डायरेक्शन में ग्लाइड करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगी. ये एक रूल है क्योंकि इस जॉइंट पे ग्लाइडिंग भी होती है. जबकि इसके कंपैरेटिव अगर मूविंग बोन कनकेव होगी, जैसे टिबिया है, अगर ये मूव करेगी, अगर आप सिंपल आप बैठे हैं चेयर के ऊपर लेकिन आपकी टांग टांग चढ़ाई हुई और जो ऊपर वाली टांग है वो क्लोज पैक में नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप नी की फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं तो जो मूविंग बोन है वो टिबिया है और टिबिया कौन सी बोन है, कनकेव बोन है. तो अकॉर्डिंग टू कनकेवो कन्वेक्स रूल, इफ द मूविंग बोन इज कनकेव तो वो जिस डायरेक्शन में ग्लाइड करेगी वो उसी डायरेक्शन में मूव भी करेगी, ऐसे, ठीक है. अगर ये फ्लेक्शन होती है, ठीक है, लेट्स से ये नी फ्लेक्शन हो रही है, अगर टिबिया इधर की तरफ मूव करती है तो वो ग्लाइड भी इसी तरफ करेगी और वो मूव भी इसी तरफ करेगी. लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर ये कन्वेक्स होती और फिर इसने इधर मूव करना होता तो वो मूव इस तरफ करेगी लेकिन इसका जो अपर एंड है वो ग्लाइड ऑपोजिट तरफ करेगा. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए. इजी बात सिर्फ ये याद रखिए, अकॉर्डिंग टू द कनकेवो कन्वेक्स रूल, इफ द मूविंग बोन इज कनकेव इट विल ग्लाइड एंड इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. हाउएवर इफ द मूविंग बोन इज कन्वेक्स इट विल मूव इन वन डायरेक्शन एंड ग्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां तक मेरी बात समझ आई? जी मैम. चलो ठीक हो गया. कनकेवो कन्वेक्स रूल के बाद हमारे पास आता है कि टिबिया और फीमरल जॉइंट के अंदर, मतलब कि वो जॉइंट जो टिबिया और फीमर बना रही है उसके अंदर मेनिस्काइज होते हैं. मेनिस्का क्या है? सेमिलोनर कार्टिलेजेस होती हैं, हाफ सेमिलोनर इसको कहते हैं, सी शेप होती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. और इनका मकसद क्या होता है मेनिस्काई का? बेसिकली लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है. आउटर 66% ऑफ मेनिस्काई, ये जो मेनिस्काई होती है ना कार्टिलेज, ये फुली इनर्वेटेड नहीं होती, मतलब कि इसके अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती, इसके सिर्फ जो आउटर पोर्शन होता है उसमें नर्व सप्लाई होती है. ये मेनिस्काइज हैं दो, एक मीडियल मेनिस्काई है, लैटरल है. मीडियल वाली जो है वो ज्यादा डेवलप होती है क्योंकि नेचुरली आपके मीडियल ये जो जॉइंट होता है फीमर और टिबिया के दरमियान में, टिबियो फीमरल जॉइंट, इसके ऊपर लोड ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू लैटरल. अल्लाह ताला ने नेचुरली यहाँ पे जो कार्टिलेज है जो मेनिस्का है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप्ड है. दोनों मेनिस्का है आपस में ट्रांसवर्स लिगामेंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे लिगामेंट्स और कौन से होते हैं? दो लिगामेंट्स हैं, बेसिकली दो पेयर ऑफ लिगामेंट्स हैं नी जॉइंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक कोलैटरल लिगामेंट है और दूसरे क्रूशिएट है. कोलैटरल लिगामेंट होते हैं जो साइड बाय साइड लगे हुए, मतलब कि मीडियल साइड पे लगा हुआ होगा, लैटरल साइड पे लगा हुआ होगा, ये इस ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं. जबकि क्रूशिएट होते हैं क्रिस क्रॉस में इनसाइड लगे होते हैं जॉइंट के, और ये आपकी इंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है. ACL क्रूशिएट लिगामेंट्स में इंटीरियर क्रूशिएट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट है, जबकि कोलैटरल लिगामेंट्स के नाम है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स. जो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लाइडिंग को प्रिवेंट करते हैं, जबकि जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं ये आपकी जो साइड बाय साइड लैटरल रोटेशन या लैटरल मूवमेंट्स होती हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. इन लिगामेंट्स के अलावा एक और लिगामेंट है हमारे पास, इसको कहते हैं IT बैंड. और ये IT बैंड कहाँ अटैच होता है? आपकी मैं डायग्राम से दिखाती हूँ, ठीक है. ये बोन कौन सी है मुझे बताओ, व्हाट इज दिस बोन? वेरी गुड. ये बोन कौन सी है? पटेला. और ये वाली? टिबिया. और ये? फिबुला. ये फिबुला, ठीक है. अब ये एक लिगामेंट है जो कि आपको लैटरल लगा हुआ है बाहर की तरफ, ठीक है ना, मीडियल साइड पे नहीं है लैटरल, ये लैटरल व्यू है, आप बाहर से नी को व्यू कर रहे हैं. यहाँ पे IT बैंड लगा हुआ है और ये IT बैंड आप देखो कि फीमर के कंडाइल पे भी लगा हुआ है लेकिन उसके साथ आपकी टिबिया के लैटरल सरफेस पे लगा हुआ है. ये आपका IT बैंड बहुत सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट भी आती है और लैटरल मूवमेंट्स भी आती है. इसके बाद हम आते हैं पटेलो फीमरल जॉइंट के ऊपर. नाम से पता लग रहा है ये ऐसा जॉइंट होगा जो कि पटेला और फीमर के दरमियान में होगा. आपको पता है कि ये पटेला है, ये फीमर है, इनका आपस में जो जॉइंट बनता है वो पटेला फीमरल जॉइंट है. पटेला की एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है, मतलब कि व्हाई डज इट एग्जिस्ट अगर ये इतना को काम नहीं करती. तो आप देखो जो ये टेंडन है, मुझे बताइए कौन सा टेंडन है जो उसके ऊपर से गुजर के जा रहा है, ये वाला?
या ये वाला? मिठला पटेला के ऊपर कौन सा टेंडन गुजरता है? क्वाड्रिसेप्स का टेंडन होता है, ठीक है? जो क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं ना, आपके थाई के इंटीरियर मसल्स हैं, वो एंड पे जब टेंडन में कन्वर्ट होते हैं तो वो पटेला के ऊपर से क्रॉस करके या पटेला को अटैचमेंट देते हैं और फिर जाके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होते हैं। तो ये जो है इस पटेला की वजह से, अगर ये ना होती तो उसने क्या आना था, इस टेंडन ने यहाँ से गुजर के आके इधर अटैच कर जाना था। लेकिन इस पटेला की एग्जिस्टेंस की वजह से क्या फायदा है कि वो उसके ऊपर से होके आता है। इसके ऊपर से होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस सेंटर से लेकर पटेला का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज डिस्टेंस आपके मसल्स की जो मोमेंट आर्म है वो बेहतर हो जाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बड़ी स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन होती है पटेलो फेमोरल जॉइंट के अंदर, जो पटेला की ये नेचुरल सिग्निफिकेंस है। जॉइंट्स के बाद हम मूव करते हैं बर्सास या जॉइंट कैप्सूल के ऊपर। सैनोवियल जॉइंट है, वी ऑल नो एवरी सैनोवियल जॉइंट हैज ए जॉइंट कैप्सूल, और इसमें जो बर्सा है वो कितने बर्सास हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। ये ब्लू कलर के जितनी डायग्राम के अंदर ये सारे बर्सास हैं। इस बर्सा का नाम है सुप्रा पटेलर बर्सा। अब कोई मुझे ये बताए कि व्हाई आर वी कॉलिंग दिस सुप्रा पटेलर बर्सा, हमने इसका कोई और नाम क्यों नहीं रखा? ये जिसने भी रखा उसने इसको सुप्रा पटेला क्यों कहा? सुप्रा का क्या मतलब होता है? मैम क्योंकि ये पटेला से ऊपर है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे है इंफ्रा पटेला बरसा। इंफ्रा पटेला का क्या मतलब हुआ? पटेला से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंफ्रा पटेलर है, एक डीप इंफ्रा पटेला है और दूसरा सबक्यूटेनियस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? मैम जो स्किन के पास मतलब सबक्यूटेनियस है और जो मतलब good. वो डीप है, बिल्कुल। इसी तरह एक और सबक्यूटेनियस है, इसका नाम है सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। इसके बारे में बताएं, स्किन के साथ तो ये हो गया, अंडरलाइंग स्किन हो गया, प्री पटेलर का क्या मतलब हुआ? पटेला के ऊपर, हाँ पटेला से पहले, ठीक है, या उसके ऊपर। उसके बाद सब आर्टोरियल बर्सा है और एक सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा है। ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के साथ लगा हुआ होता है, इसलिए इसको सेमी मेम्ब्रेनोसस कहते हैं। अब हम इसकी काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स? मैम काइनेमेटिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं और जबकि काइनेटिक में हम फोर्स की। वेरी गुड, ठीक है। अब हम पहले काइनेमेटिक्स में आते हैं। मूवमेंट की डिस्कशन में रेंज ऑफ मोशन आएगी डेफिनेटली। आप मुझे बताएं नी जॉइंट के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? वेरी गुड, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन कितने डिग्री होती है? 0 to 140 डिग्रीज, और इसी तरह 140 से लेकर 0 डिग्री तक हमारे पास एक्सटेंशन होती है। रोटेशन भी होती है इसके अलावा, ठीक है, और पैसिव एब्डक्शन एडक्शन भी होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में। मतलब कि ये इतने सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है कि हम कंसीडर करें कि हाँ नी जॉइंट के ऊपर एब्डक्शन एडक्शन होती है। रोटेशन बहुत होती है। रोटेशन किसकी होती है? टिबिया भी रोटेट कर सकती है और फीमर भी रोटेट कर सकती है। तो टिबियल रोटेशन इज पॉसिबल इन फ्लेक्शन एंड नॉन वेट बेयरिंग पोजिशन। अगर तो वेट बेयरिंग पोजिशन नहीं है, मुझे ये बताएं अगर नॉन वेट बेयरिंग पोजिशन होगी तो क्या वो क्लोज पैक पोजिशन होगी या वो ओपन पैक पोजिशन होगी? नॉन वेट बेयरिंग, अच्छा पहले मुझे कोई डिफरेंस बता दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन पैक एंड क्लोज पैक पोजीशन? आप सब लोगों ने काहिनी पढ़ी हुई है, पढ़ी होगी डेफिनेटली। मुझे क्लोज पैक और ओपन पैक पोजीशन का डिफरेंस बता दे बेटा। मैम ओपन पैक में होता है कि जहां पे जॉइंट पे ना मिनिमम फोर्सेस होती हैं, मिनिमम लोड होता है लिगामेंट, ठीक है, ठीक है। फोर्स के अलावा वकास एक और पॉइंट भी होता है कांटेक्ट का। मैक्सिमम कांटेक्ट किसमें होता है? नहीं ज्यादा कांटेक्ट किसमें होता है, क्लोज पैक में या ओपन पैक में? क्लोज में, बिल्कुल। तो नॉन वेट बेयरिंग और वेट बेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है कि अगर तो आप अपने जॉइंट के ऊपर, अगर नी जॉइंट की बात करें, नी जॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं, आपकी बॉडी का वेट लग रहा है,
ठीक है, आप इस तरह की जो पोजीशन होती है उसको वेट बेयरिंग कहते हैं। नॉन वेट बेयरिंग क्या है कि अगर आप बैठे हैं चेयर के ऊपर और आपने टांग पे टांग चढ़ाई भी है, तो जो टांग आपके ऊपर है उसके ऊपर इस वक्त बॉडी वेट नहीं लग रहा, वो नॉन वेट बेयरिंग पोजिशन होगी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉन वेट बेयरिंग पोजिशन में आप नी की फ्लेक्शन करते हैं तो टिबिया रोटेट करेगी, ठीक है, और वो टिबिया को रोटेशन कौन करवाएगा, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडेनोसिस और पॉपलेटियस। बेसिकली इनमें से जो पॉपलेटियस मसल है वो रोटेशन करवाता है, और वो क्या रोटेशन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है। फ्लेक्शन में टिबिया मीडियली रोटेट करती है, और जब आप नी की एक्सटेंशन करते हैं तो टिबिया लैटरली रोटेट करती है, और लैटरल रोटेशन कौन करवाता है, बाइसेप्स फेमरस, ठीक है। और उसके अलावा बहुत कम डिग्री आपकी एबडक्शन और एडक्शन की भी होती है। पटेलो फेमरल जॉइंट मोशन के ऊपर क्या आता है कि जो आपकी पटेला है, ठीक है, ये मूव करती है ऊपर नीचे। आपने कभी पटेला की ग्लाइड्स दी है? क्या आप अपने पटेला को मूव कर सकते हैं? अपने पटेला को पल्पेट करें आप, yes. अपने ठीक है, इस पटेला को अगर थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें, क्या ये मूव करती है या नहीं करती? ठीक है, सिर्फ लैटरली करती है या किसी और डायरेक्शन में भी मूव करती है? दूसरी डायरेक्शन में भी करती है ना, ऊपर ऊपर और नीचे भी करती है, बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर ऊपर नीचे करती है। और ये जो इसकी मूवमेंट, ये नेचुरल है, अल्लाह ताला ने पटेला ऐसी बनाई है। ज्यादातर ये जो कॉन्ट्रेक्शन होती है ना आपके क्वाड्रिसेप्स के टेंडन की, उसके साथ ये ऊपर नीचे मूव करती है। तो ये कितना मूव करती है आप कैसे पता लगाए? 7 सेंटीमीटर वर्टिकल एक्सकर्जन होती है। वर्टिकल एक्सकर्जन का मतलब क्या है कि वो 7 सेंटीमीटर तक ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कि इतना डिस्टेंस होता है कि एक पटेला मूव कर सकती है। इसलिए हम पटेला की ग्लाइड्स में उसकी नेचुरल मूवमेंट को ही री इन्फोर्स करते हैं। इन मूवमेंट्स के अलावा एक सर्फेस ज्वाइंट मोशन मूवमेंट होती है, और ये बेसिकली क्या मूवमेंट होती है, आपके ज्वाइंट के ऊपर अगर ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग या रोटेशन हो रही है उसको सर्फेस ज्वाइंट मूवमेंट कहते हैं। और इसका जो एक्सेस है वो बिल्कुल सेंटर से पास करता है आपके फीमर के सेंटर से, नी जॉइंट का एक्सेस। इस डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे ग्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, वो पहले रोटेट की और उसके बाद वो ग्लाइड कर गई। अगर आप इस डायग्राम में देखो कि वो यहाँ पे मूव की है, लेकिन अगर ये आगे की तरफ ग्लाइड नहीं करती तो क्या होगा, फीमर नीचे उतर जाएगी। अब जब भी हम मूवमेंट करेंगे ग्लाइडिंग भी होगी और हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगी, तो अगर अल्लाह ताला ने ये ग्लाइडिंग मूवमेंट ना रखी होती तो क्या होता, जैसे ही आप अपने नी के ऊपर फ्लेक्शन करते आपकी फीमर ने उतर के हाथ में आ जाना था, ठीक है, फिर आप उसको दोबारा जुड़वाते, फिर दोबारा मूव करते, वो फिर दोबारा निकल जाती। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए वो जब मूव करती है वो खुद ब खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड भी करती है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो मूविंग बोन है इस डायग्राम में, मूविंग बोन कन्वेक्स है या कनकेव है? कन्वेक्स है मैम, बिल्कुल कन्वेक्स है, फीमर की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल कन्वेक्स है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू कनकेवो कन्वेक्स रूल बताएं, अगर कन्वेक्स बोन मूव कर रही है, अभी मैंने पढ़ाया है ना, अगर कन्वेक्स बोन मूव कर रही है तो क्या वो ग्लाइड भी उसी डायरेक्शन में करेगी या ऑपोजिट में करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट में करेगी। अब यहाँ पे आप देखें वो मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन वो ग्लाइड किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, आगे की तरफ, ठीक है, ये आगे की तरफ ग्लाइड की, तो ये यहाँ पे रुक गई। अब चूंकि अगर इसमें ग्लाइडिंग नहीं हुई, नेचुरली अगर कोई ऐसा केस होता है कि रोटेट करेगा वो नीचे गिर जाएगी, तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने नेचुरल ग्लाइडिंग मूवमेंट रखी और ऑपोजिट तरफ ही ग्लाइडिंग रखी है, ताकि वो दोबारा इस जगह पे स्टेबल हो जाए और इसी ज्वाइंट के अंदर रहे, ठीक है, ये सर्फेस ज्वाइंट मोशन है। उसके अलावा आपके कार्टिलेज की एक होती है, हमारे पास इंजरी है, उसको कहते हैं बकेट हैंडल कार्टिलेज है, मेनिस्का है। अगर उसके सेंटर में इस तरह का टीयर आ जाए तो उसको बकेट हैंडल डिरेंजमेंट कहते हैं। और इसका नाम बकेट हैंडल क्यों रखा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे बाल्टी का होता है ना आपका हैंडल होता है, ये बिल्कुल वैसी शेप इख्तियार कर लेती है, इस वजह से उसको बकेट हैंडल कहते हैं। अब हम फोर्सेस की तरफ आते हैं, स्टैटिक फोर्सेस या डायनामिक फोर्सेस में। इसके लिए हमें लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म पहले पता होना चाहिए। आप लोगों में से मुझे कोई बताए, क्या आपने स्क्रू होम मैकेनिज्म पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? मैम पढ़ा हुआ है। मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है, फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। मैम पढ़ा हुआ लेकिन अभी खास याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ, मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ, डोंट वरी, ठीक है।
स्क्रू होम मैकेनिज्म क्या होता है कि मैंने अभी पहले ही बात की थी कि जब आप नी जॉइंट पे फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं तो टिबिया रोटेट होती है, राइट? ड्यूरिंग द लास्ट 15-20 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन विद अ फुट फ्री, यहाँ पे बात की है फुट फ्री की, मुझे बताएं जो फुट फ्री है ये ओपन पैक पोजीशन होगी या क्लोज पैक होगी? ओपन पैक मैम। वेरी गुड। क्या ये वेट बेयरिंग होगी या नॉन वेट बेयरिंग होगी? नॉन वेट बेयरिंग। एक्सीलेंट। नॉन वेट बेयरिंग ओपन पैक पोजीशन में मुझे कोई नेचुरल मूवमेंट बताएं ऐसी, किस टाइम पे जब ऐसी मूवमेंट हो सकती है? मैम जब हम फ्लेक्शन करवाते हैं, जब टांग के ऊपर टांग रख के बैठे होते हैं। जब आप बैठे हुए होते हैं, अगर आप खड़े हुए होंगे तो वो वेट बेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना? फिर आपका फुट फ्री नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि अगर आप एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, आप राइट साइड पे खड़े हो जाते हैं एक टांग के ऊपर चढ़ के खड़े, ठीक है, और लेफ्ट साइड की जो लेग है उसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो अब फुट फ्री है और अब वो नॉन वेट बेयरिंग है, ठीक है? तो जब आप फुट फ्री के अंदर अपनी एक्सटेंशन करते हैं नी के ऊपर, तो बिल्कुल लास्ट 15-20 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो होती है ना, उस टाइम पे आपकी टिबिया बाहर की तरफ रोटेट करती है, वो रोटेट करती है और फीमर के साथ लॉक हो जाती है, उसको कहते हैं लॉकिंग हो गई। When the knee extends with the foot planted, मतलब ये है foot free के साथ। जब आप foot free के साथ knee extension करते हैं, दोबारा मैं repeat करती हूँ, आप open back position के अंदर या foot free के साथ आपने knee extension की, तो tibia जो है वो laterally rotate करती है, ठीक है? लेकिन अगर आप case ऐसा हो कि आप पाँव आपने दोनों जमीन पे रखे हुए हैं चेयर के ऊपर या बैठे, लेकिन अब आपने खड़े होना है, अब भी तो extension होगी ना flexion से, लेकिन अब आपका foot free नहीं है, अब ओपन पैक पोजीशन होगी या क्लोज पैक पोजीशन होगी अगर आप पांव जमीन पे रख के खड़े होते हैं तो? क्लोज पैक मैम। अब क्लोज पैक होगी। अब मुझे बताएं क्या ये वेट बेयरिंग होगी या नॉन वेट बेयरिंग होगी? वेट बेयरिंग होगी। अब हमने तो ये अभी इससे पहले बात की कि अगर वो फ्री फुट हो तो टिबिया रोटेट करती है, ठीक है ना? अब फुट से तो फ्री है नहीं, तो टिबिया फिक्स है हमारी, डिस्टल एंड फिक्स है क्लोज पैक में। अब क्या होगा, फीमर रोटेट करेगी, लेकिन फीमर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? इंटरनली। टिबिया रोटेट करती थी बाहर की तरफ ताकि फीमर से लॉक हो, अब टिबिया अपनी जगह पे है, फीमर ने आके लॉक होना, तो वो कैसे अंदर की तरफ रोटेट करेगी? मीडियल रोटेशन होगी लॉक करने के लिए। इस लॉकिंग मैकेनिज्म को, चाहे ओपन पैक पोजीशन में टिबिया एक्सटर्नल रोटेट करके लॉक हो या फिर क्लोज पैक पोजीशन में फीमर इंटरनली रोटेट करके लॉक हो, दोनों लॉकिंग में ये जो मैकेनिज्म है इसको कहा जाता है स्क्रू होम। स्क्रू होम क्यों? जैसे आप पेज को कसते हैं ना, ये उस तरह की मूवमेंट है। और ये लॉकिंग करवाता कौन है? पॉपलिटियस मसल, ठीक है, लॉकस्मिथ होता है, ये मूव करता है। पॉपलिटियस मसल जो है इसने मतलब कि लॉकस्मिथ है, सॉरी, इसने अनलॉक करवाना है। पॉपलिटियस मसल अनलॉक्स द नी बाय इधर एक्सटर्नली रोटेटिंग द फीमर, क्योंकि अगर फुट प्लांटेड था तो फीमर इंटरनली रोटेट हुई थी ना। आप लॉकिंग के बाद डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते जब तक वो आपका जॉइंट अनलॉक नहीं होता। अगर वो अनलॉक किए बगैर एक्सेसिव जबरदस्ती मूवमेंट करवाई जाए तो वो कुछ ना कुछ फ्रैक्चर या जो आपका लिगामेंट वगैरह रप्चर हो जाएगा। तो जो लॉकिंग हुई थी उसने पहले अनलॉक होना है, फिर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगी, ठीक है? तो फीमर इंटरनल रोटेट की थी, उसको बाहर की तरफ रोटेट करेगा, पॉपलिटियस मसल करेगा, और अगर टिबिया बाहर की तरफ रोटेट की हुई थी तो अनलॉक करने के लिए वो इंटरनली लॉक होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक काइनेटिक्स के अंदर एक पॉइंट है जी, क्यू एंगल। क्यू एंगल बेसिकली, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिसेप्स का एंगल, आपका सुपीरियर इलियक स्पाइन से दूसरी लाइन आप टिबियल ट्यूबरोसिटी से पटेला को क्रॉस करें। जिस जगह पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, मैम आवाज नहीं आ रही।
बेटा आप दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे ये बताएं आप लोगों ने कहाँ तक सुना था, मैं वहां से दोबारा रिपीट करती हूँ। क्यू एंगल अभी स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यू एंगल के बारे में मैं बता रही थी, बेसिकली ये क्यू स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिसेप्स है, ये एंगल ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्वाड्रिसेप्स टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी, क्योंकि आपका क्वाड्रिसेप्स का जो टेंडन है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर अटैच होता है, राइट। तो अगर आप एक एंगल सिर्फ मैय करने के लिए एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑफ द हिप बोन, वहां से आप लाइन ड्रॉ करें और क्रॉस करें पटेला को, दूसरी लाइन आप ड्रॉ करें टिबियल ट्यूबरोसिटी से पटेला को, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं उसका एंगल मैय करें, वो क्यू एंगल है। फीमेल्स के अंदर क्यू एंगल वाइड होता है बिकॉज दे हैव अ वाइडर पेल्विस, मेल में क्यू एंगल जो है वो नैरो होता है बिकॉज दे हैव अ नैरो पेल्विस, नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया। मेल के अंदर क्वाड्रिसेप्स एंगल कितना होता है 13-14 degree और फीमेल्स के अंदर कितना होता है 17-18 degree, ठीक है। तो इसकी वजह से जितना क्यू एंगल वाइड होता है आपके नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा होता है, ठीक है। उतने ही इसीलिए फीमेल्स के अंदर या फीमेल एथलीट्स में जो लिगामेंटस इंजरी के चांसेस है ना वो भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो वजह क्या है उसकी, ये नेचुरल सिग्निफिकेंस है, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है। जहाँ पे वाइडर पेल्विस का फायदा दिया गया है एक चाइल्ड बर्थ की सूरत में एक औरत को, वहां पे उसके नी जॉइंट्स या नी जॉइंट के ऊपर जो लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर मतलब के थोड़ी सी एक नेचुरली एक प्रीडिस्पोजिशन है टुवर्ड्स द इंजरीज। टिबियो फेमोरल जॉइंट के लोड की अगर हम बात करें तो वेट बेयरिंग और मसल टेंशन नेचुरल है, कोई भी आपका जॉइंट के ऊपर से जो मसल क्रॉस कर रहा है अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंडरलाइंग जॉइंट के ऊपर मसल टेंशन प्रोड्यूस होगी और फोर्स ऐड होगी। फुल नी एक्सटेंशन क्लोज पैक पोजिशन होती है, इसमें कंप्रेशन ज्यादा होता है। स्टांस फेज में अगर आप सिंपल खड़े हैं ना आपके नी जॉइंट के ऊपर आपका जितना बॉडी वेट है उसके 3 times वेट लग रहा होता है, लेकिन अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तब आपके नी जॉइंट्स के ऊपर 4 times वेट लग रहा होता है। मतलब क्या सीढ़ियां चढ़ना आपकी नीज को ऐसे इफेक्ट करता है, इसीलिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले ये चीज एडवाइस की जाती है कि आप स्टेयर्स को चढ़ना छोड़ दें, मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पे ना जाया करें, आप सीढ़ियां चढ़ना कम कर दें। नी जॉइंट का किसी को पेन हो तो उसको सीढ़ियां चढ़ना इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग आपके नी जॉइंट्स के ऊपर जो एक्टिंग वेट है दैट बिकम्स 4 times योर बॉडी वेट, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कहा जाता है कि तो कुछ अर्से के लिए मिनिमाइज करें ताकि आप ठीक हो जाएं, फिर हम दोबारा से एक्टिविटीज रिज्यूम करेंगे। उसके बाद टिबियो फेमोरल जॉइंट में जो मीडियल टिबियो फेमोरल जॉइंट है, मैंने पहले भी बताया था कि जो मीडियल जॉइंट होता है जो मीडियल साइड का आपका टिबिया और फीमर के दरमियान में जो जॉइंट है इसके ऊपर जो एक्टिंग वेट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैटरल, इसीलिए कंप्रेशन भी इस साइड पे ज्यादा आता है, इंजरीज भी इस साइड पे ज्यादा आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बड़ी करेक्टरिस्टिक पेन होती है, पेशेंट आके कहता है मुझे दर्द है और वो जॉइंट की मीडियल जॉइंट लाइन के ऊपर हाथ लग के कहता है मुझे यहाँ दर्द है। वो क्यों यहाँ दर्द है, क्योंकि मीडियल टिबियो फेमोरल जॉइंट के ऊपर एक्टिंग लोड बगैर ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी ज्यादा होता है, तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो वहां पे वेट ज्यादा है इसलिए उसको पेन वहां पे ज्यादा है, और इसीलिए जो मेनिस्का है वो मीडियल मेनिस्का है दैट गेट्स वर्न आउट वेरी इजिली एज कम्पेयर टू द लैटरल मेनिस्का, ठीक है। और वो कितना होता है, ग्रेटर सरफेस एरिया है यहाँ पे ज्यादा 3 times ज्यादा नेचुरली थिक आपकी कार्टिलेज होती है, और अगर उस कार्टिलेज का मकसद ये है कि वो लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डीजेनरेटिव जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आर्थराइटिस वगैरह के सारे केसेस आते हैं, ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आपके कार्टिलेज को उसकी हाइट को रिड्यूस करते हैं, आपके मेनिस्काय को
खत्म करते हैं उसकी डिजेनरेशन होती है, तो जब लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो वो लोड सारा आपकी बोन्स पे आता है, बोन्स पे लोड आएगा, बोन्स डिस्ट्रॉय होंगी, फिर वो आर्थराइटिस की तरफ जाएगा। फोर्स एब्जॉर्प्शन भी करवाता है ये आपके मेनिस्काई, कितना ऑलमोस्ट 45% लोड एक्टिंग जो आपकी नी ज्वाइंट के ऊपर होता है ना वो आपकी मेनिस्काइज एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए जो मेनिस्कैक्टमीज होती हैं जिसके अंदर मेनिस्काई को डिसेक्ट कर दिया जाता है, वहां पे ज्वाइंट के डीजेनरेटिव डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नी फ्लेक्शन या फिर जैसे ही आप फ्लेक्शन का एंगल 90 डिग्री तक इंक्रीज करते जाएं तो वेट बेयरिंग जो है, जो शेयर वेट बेयरिंग है वो इंक्रीज करती जाती है और आपके लिगामेंट्स वगैरह स्लाइडिंग को प्रिवेंट करते हैं। और डीप नी बेंड्स या फुल स्क्वाट्स जो है वो लोड बेयरिंग फुल फ्लेक्शन के साथ रिकमेंडेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये टिपे फेमोरल जॉइंट के ऊपर स्क्वाट्स हैं, आपको पता होगा स्क्वाट्स में आप नी फ्लेक्शन करते हैं क्लोज बैक पोजीशन में, तो उस क्लोज बैक पोजीशन में आपकी जो फीमर है वो इंटीरियरली स्लाइड करती है। अगर वो स्क्वाट्स ज्यादा हो जाए, रेंज से बढ़ जाए, या फिर आपके जॉइंट के ऊपर जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग ना हो, तो क्या होगा, ये बोन आगे की तरफ स्लाइड करेगी और ये जो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं ये रप्चर हो जाएंगे एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से। कंप्रेशन एट दिस टिप पटेला फीमरल जॉइंट, पटेला और फीमर के दरमियान में जो कंप्रेशन है वो 1/2 होता है आपकी बॉडी वेट के नॉर्मल वॉकिंग में, और अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग करें तो वो भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सटेंशन में ये कंप्रेशन फोर्सेस ज्यादा होती हैं, फ्लेक्शन में क्योंकि वो मूव करती है पटेला तो वो कंप्रेशन फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। स्क्वाट्स की मैं बात पहले बता चुकी हूँ, जॉइंट रिएक्शन फोर्स जो कि आपकी पटेला और फीमर के दरमियान में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जॉइंट रिएक्शन फोर्स होती है, वो स्क्वाट्स में 7.6 टाइम्स आपके बॉडी वेट इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और ट्रेनिंग में 0-50 डिग्री नी फ्लेक्शन रेंज इज रिकमेंडेड टू मिनिमाइज दी नी फोर्सेज। इसलिए कहा जाता है कि आपने स्क्वाट्स में इस 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करना है। अगर आप ये 90 डिग्री का एंगल मेंटेन नहीं करेंगे और ज्यादा नीचे चले जाएंगे, एंगल बढ़ जाएगा, तो फिर आपकी जो लिगामेंटस इंजरीज है वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये लेक्चर था आप लोगों का, एंड हो गया। कोई क्वेश्चन है तो करें। मैम प्रेजेंटेशन की डेट क्या लास्ट? हाँ जी बेटा, मैं प्रेजेंटेशन जब अनाउंस करूंगी ना उसके बाद आपको एक मंथ की डेट दूंगी। ठीक है, आजकल मैं इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगी, आप लोग बेफिक्र होके बैठे हैं, मैं जब अनाउंस करूंगी उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप तसल्ली से बना के कभी भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने अनाउंस कर दी है, क्या हो गया, मुझे भी बुला दिया, कर दिया मैंने टॉपिक्स तो आप लोगों के, तो कर दिए मैंने, दूसरे सब्जेक्ट ही नहीं किया। हाँ यस मैम कर दिए यार, बहुत टाइम है, आराम से चिल होके करो। आज क्या डेट है भला? 25 जून है ना, आपको 25 जुलाई तक का टाइम है, आज से शुरू कर देते हैं। ठीक है, 25 जुलाई तक का टाइम है, तब चलो कि मुझे आराम से सबमिट करा दो ईमेल में। तो मैम मीट का पैटर्न भी ठीक है, और मैम मीट का सिलेबस एमसीक्यूज, आप लोग इतने अरसे बाद 1.5 साल बाद आके ऑन कैंपस एग्जाम देना चाह रहे हैं, नहीं चाहती मुश्किल हो, एमसीक्यूज होंगे। बेटा मीट का सिलेबस है 1st 10 lectures और मैम 50 एमसीक्यू, 1 to 10 मैम टोटल एमसीक्यू कितने होंगे? 50 नहीं, 50 नहीं, मैं पेपर बनाऊंगी 50 मिनट का मैक्सिमम होगा, 40 एमसीक्यू बनाऊंगी। ठीक है, ओके मैम, 10 मिनट आपको ऊपर दिए हैं। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर है ना वो एक स्लॉट में एक है, तो अगर आप लोग टाइम लेट करेंगे या पेपर लेट करेंगे या किसी वजह से लेट हो जाता है तो ये जिम्मेदारी अपनी खुद उठाएं थोड़ी सी, कि आपको फिर अगले पेपर का जो स्लॉट होगा ना वो डिस्टर्बेंस होगी, मतलब आपसे अगर कोई बच्चा ये काम करता है तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, आप करेंगे तो आपके बाद वाले डिस्टर्ब होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे आए, टाइम पे पेपर स्टार्ट हो, बाकी टीचर्स को भी इस चीज पे थोड़ा सा बातचीत करके उनसे पूछें बार बार, अगर उनके जहन में आइडिया नहीं है कि एक स्लॉट का है तो ज्यादा लंबा पेपर ना बनाएं, इतना मार्जिन रखें कि आप आके पेपर स्टार्ट होने का टाइम और पेपर खत्म होके पेपर कलेक्शन का टाइम भी हो, ये ना हो कि पूरे पूरे टाइम पे खत्म हुआ है या पूरे टाइम पे स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो आपका टाइम जाया हो उसके अंदर। ठीक है, और कुछ? वो साइमन का पैटर्न, उसमें बात मैकेनिक्स लिखनी है सारी, उसमें जो आप प्रोफेसर से जो रिलेटेड प्रेजेंटेशन असाइनमेंट कौन सी है, प्रेजेंटेशन दी है मैंने कास्ट, हां सॉरी प्रेजेंटेशन, उसके अंदर बस जो मैंने टॉपिक लिखा है ना आपने उससे रिलेटेड स्लाइड्स बनाई, बेशक मेरी स्लाइड्स में से ही उठा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसमें से ही उठा ले, कॉपी पेस्ट का प्लेजरिज्म का कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन वीडियो में अपने वर्ड्स में करना है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? मेरे वाले तो वो लेक्चर 21 लिखा हुआ है। हाँ तो मैं आप मुझे मेरे से मुझे ईमेल करो, मैं आपको रिस्पांस में लेक्चर, बल्कि लेक्चर क्यों भेजना है मैंने, बुक खोलो। सॉरी मैम, वो मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं मैम। स्कोलियोसिस है तो उसकी पूरी स्पाइन ही आ रही है इसमें तो फिर। हाँ, आपने बस स्कोलियोसिस एक्सप्लेन करना है, वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन का स्कोलियोसिस नहीं है, वो ओवरऑल स्पाइन का स्कोलियोसिस है, तो वो आप जैसे मर्जी एक्सप्लेन करना चाहो, बल्कि आप इंटरनेट से मेजोरिटी बच्चे तो उठाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, आप जहां मर्जी से उठाएं, प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर होना चाहिए, मुझे आपके ये चेक करना है कि आपको उसके टॉपिक के बारे में इनफ पता है या नहीं पता, और पीपीटी थोड़ी अच्छी बनी हुई हो, ठीक है? ठीक है मैम, थोड़ी सी प्यारी सी बना। हाँ प्यारी सी बनाए और प्यारा सा एक्सप्लेन भी करें, श्योर मैम, ठीक है? और मुझे बताएं जनाब, हमारा स्पेशल कोर्स था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोग मुझे आज बताएंगे हमारा वो क्लैश है, हमारा ये क्लैश है, कबूल नहीं, नहीं। नहीं है क्लैश मैम, चार पेपर इकट्ठे आ गए एक ही स्लॉट में। वकास किस बेवकूफ ने कहा था कि चार डिफरेंट सेमेस्टर्स के एकदम उठा लो, अब खत्म करनी थी तो आखिरी सेमेस्टर तो फिर वो ना, तो आखिरी सेमेस्टर में सारे बच्चे कुछ ही उठाए हुए थे। नहीं मैम, वो जो पढ़े हुए थे बस जो रह गए थे। कौन कौन से, कौन कौन से मुझे सब्जेक्ट से नाम बताओ मैम। ये बायोमैकेनिक्स 1 है, ठीक है, सेमेस्टर प्रोसीजर एंड प्राइमरी केयर एमपीटी, और इसके अलावा न्यूरो फिजिकल थेरेपी है, और उसके बाद प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स है। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं इसका कुछ करते हैं। मैंने मैडम को बताया था, उन्होंने कहा था हाँ ईमेल भी कर दो ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे, भूल ना जाए ना, हम ये ना क्लैशेस रिजॉल्व करें तो फिर आपका उसमें हो ही ना। लेकिन यार मुझे ये बताओ, अगर हम किसी और दिन भी रखते हैं तो फिर आपका क्लैश किसी और के साथ आ गया फिर? मैम वो मैं आप वो ये करूंगा कि ईमेल में ना आपको मैं अपनी डेट शीट जो है ना वो शेयर कर दूंगा। चलो चलो ठीक है, आपके साथ और कितने बच्चे हैं, किसी और का पता है या सिर्फ आपका इशू है? मैम जो है ना न्यूरो और प्रोस्थेटिक वाले मोस्टली उनका सेम इशू है, डेट और अच्छा। चलो ठीक है, ईमेल कर देना जी। ठीक है बेटा, डेट हम ऐसे चेंज करेंगे कि अगर इनफ स्टूडेंट्स हुए ना एक एक क्लास में, इनफ से मुराद है खुद 30-40 के करीब को बच्चा हुआ ना, फिर डेट चेंज करेंगे किसी पेपर की। नहीं मैम, उनमें तो नहीं, विकास आप लोगों का देख लेंगे ना, आपका चार चार पेपर है ना, तो चार पेपर तो थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे एक दिन में नहीं दिए जाने आपसे, देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकालते हैं इसका, मैं नहीं चाहती आप लोगों के पेपर्स डिस्टर्ब हो। नगीना बेटा दोबारा क्वेश्चन करें, आपका क्या क्लैश था? मैम मैं कह रही हूं कि फिर इस तरीके से अगर हमारा क्लैश आ गया किसी सब्जेक्ट में, हम कोशिश करेंगे नहीं आएगा इंशाल्लाह, अगर आएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? ओके मैम, बस लेक्चर एंड करूं फिर? जी मैम कर लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी अक्सा बेटा, ये फाइनल डेट शीट है, ये फाइनल है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसमें बस जो अगर कोई अननेसेसरी क्लासेस आ रहे हैं ना वो देखेंगे हम, अगर कोई मसला हुआ तो वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होंगी, डेट शीट यही है, 95% डेट शीट यही है। चले अल्लाह हाफिज़।